Chapter number 4, The Last Supper. First of all, let us understand the meaning of supper. Supper ka meaning hota hai ki the last meal of the day. Jo din ki aakhri meal hoti hai, jo aakhri khana hota hai, usko bolte hain supper. Jaise ki agar aapne dinner kiya hai to wo aapka raat ka aakhri khana hua, ya fir aapne late khana khaya raat ko jabhi bhi to wo aapka din ka jo aakhri khana hota hai, din pure din ka, usko bolte hain supper. So in this chapter we are going to study the lesson from the past. Hum past ka ek lesson padhne wale hain. So it is about Jesus and his disciples. Ye jo chapter hai, ye Jesus aur unke disciples ke bare mein hai. Disciples that means followers. Okay, aur Jesus aapko pata hai ki Christian ke jo leader hai, goat jo hote hain, wo hai Jesus. To yahan pe hum padhne wale hain Jesus aur unke disciples ki ek story. On one of the days in the week before the Passover, the disciples came to Jesus at Bethany and said, "Master, where shall we make ready the Passover for you to eat?" On one of the days in the week. Ek din tha week ka, isme bataya nahi hai hame ki kaun sa din tha. It was one day from the week before the Passover. Passover, that means यहाँ पे Passover का मतलब है Jewish festival, एक festival होता है Jews का. तो before the Passover the disciples came to Jesus. उस festival की थोड़ी देर पहले ही जो disciples हैं, Jesus के जो followers थे, वो उनके पास आते हैं at Bethany. Bethany में होते हैं Jesus और उनके followers and said, और Jesus से बोलते हैं, "Master, where shall we make ready the Passover for you to eat?" अपने मास्टर से, दैट मीन्स जीजस जो है वो अपने डिसिपल्स के मास्टर है, तो उनसे पूछते हैं कि हम आपके लिए पास ओवर आज का जो खाना है वो कहाँ पे रेडी करवाएं. देन जीजस कॉल्ड टू ऑफ हिज डिसिपल्स, पीटर एंड जॉन, एंड सेड टू देम. फिर जीजस जो है वो अपने दो डिसिपल्स को बुलाते हैं जिनका नाम है पीटर एंड जॉन, और फिर उनको बोलते हैं, "गो इन टू द सिटी एंड अ मैन कैरिंग अ पिक्चर ऑफ वाटर विल मीट यू." तुम्हें यहाँ से सिटी में जाना है दोनों को, वहाँ पे तुम्हें एक मैन दिखाई देगा जो पिक्चर ऑफ वाटर को कैरी किया हुआ होगा. आपने देखा होगा कि पानी के जो बैग्स आते हैं तो उसको कैरी किया हुआ होगा, वो तुम्हें मिलेगा. फॉलो हिम, तुम उसको फॉलो करना, एंड गो इन टू द हाउस वेयर ही गोज़, और तुम उसको फॉलो करते करते उस हाउस में जाना जहाँ पर वो जाता है. एंड से टू द हेड ऑफ द हाउस, "The master says, where is my guest room where I can eat the Passover with my disciples?" और उसको फॉलो करते हुए जहाँ तुम जिस हाउस में जाओगे उस हाउस के मास्टर से पूछना, उस हाउस का जो हेड होगा उससे बोलना, "The master says," कि मास्टर ने हमें बोला है, "where is my guest room," हमारा गेस्ट रूम, मेरा गेस्ट रूम कहाँ है, "where I can eat the Passover with my disciples," और वो गेस्ट रूम जहाँ पे मैं पास ओवर मना सकूँ अपने डिसिपल्स के साथ. एंड ही हिमसेल्फ विल शो यू अ लार्ज अपर रूम फर्निश्ड देयर मेक रेडी फॉर अस. फिर वो जो हाउस का हेड होगा वो तुम्हें एक लार्ज अपर रूम बताएगा जो पूरा फर्निश्ड किया हुआ होगा, दैट मीन्स कि जिसमें सारी फर्नीचर की चीज़ें होगी. देयर मेक रेडी फॉर अस, और वहाँ पर तुम हमारा जो डिनर है वो रेडी कर लेना. Peter and John went into Jerusalem, and soon in the street they saw a man walking towards them carrying a pitcher of water. अब जैसा कि जीसस ने कहा है वैसा मानते हुए पीटर और जॉन जो है वो चले जाते हैं सिटी में, जेरूसलेम नाम है उस सिटी का. एंड सून इन द स्ट्रीट, और तभी स्ट्रीट में उनको एक मैन दिखाई देता है, जैसा कि जीसस ने उनको बोला था कि तुम्हें एक मैन दिखाई देगा जिसने क्या कैरी किया हुआ होगा, पिक्चर ऑफ वाटर, तो उसके पीछे पीछे तुम चले जाना. दे फॉलोड हिम, जॉन और पीटर जो है वो उसको फॉलो करते हैं उस मैन को. वेंट इन टू द हाउस वेयर ही टुक द पिक्चर, और वो उसको फॉलो करते करते उस हाउस में पहुंच जाते हैं जहां पे वो वाटर का पिक्चर लेके गया है. एंड स्पोक टू द मैन हु सीम्ड टू बी इट्स हेड, और फिर पीटर और जॉन जिस हाउस में वो पिक्चर लेके गया था वहाँ पर जाके देखते हैं कि हाँ यहाँ पर ये हेड दिखाई दे रहा है, और उससे बात करते हैं. The men led them upstairs. फिर जो men है, जो head है उस house का, वो उनको ऊपर ले जाता है. And showed them a large upper room. और जैसा कि Jesus ने बताया था कि वो तुम्हें ऊपर ले जाके एक large room दिखाएगा, तो वो
हेड जो है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, विद द टेबल एंड द काउचेस अराउंड इट. और जो रूम, जैसा कि जीसस ने बोला था कि वो एक फर्निश्ड रूम बताएगा, तो वैसा ही उसने बिल्कुल फर्निश्ड रूम उनको दिखाया. ऑल रेडी फॉर द गेस्ट एट डिनर, और वो सारी चीज़ें बताता है कि सब कुछ रेडी है डिनर के लिए. देन द डिसिपल्स वेंट आउट, फिर जो डिसिपल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं. एंड ब्रॉट अ लैम्ब, और फिर एक लैम्ब लेके आते हैं. लैम्ब दैट मीन्स कि जो भेड़िए का जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैम्ब. एंड रोस्टेड इट, वो लैम्ब लेके आते हैं और उसको सेक लेते हैं खाने के लिए. एंड मेड रेडी द वेजिटेबल्स एंड थिन वेफर्स ऑफ ब्रेड मेड विदाउट यीस्ट फॉर द मील. और फिर जितने भी खाने की चीज़ें हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, थिन वेफर्स, वेफर्स दैट मीन्स अ वेरी थिन राउंड पीस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का पीस होता है उसको बोलते हैं विदाउट यीस्ट, जिसमें यीस्ट नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें जो डिनर के लिए रेडी कर लेते हैं उनके जो डिसिपल्स होते हैं जीसस के. ऑन थर्सडे आफ्टरनून जीसस एंड हिज डिसिपल्ड वॉकड आउट ऑफ बेथनी टुगेदर. फिर ये सारी चीज़ें, तो जो दो डिसिपल्स गए थे जॉन और पीटर, वो रेडी करवा रहे थे, तभी थर्सडे की आफ्टरनून में जीसस और उनके जो बचे हुए डिसिपल्स थे वो लोग बेथनी से निकल जाते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ पे उनको जाना था. एंड ओवर द माउंट ऑफ ऑलिव्स एंड इन टू द सिटी, फिर वो बेथनी से निकल के माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ से चलते हुए सिटी में पहुँच जाते हैं. ओनली जीसस हु कुड रीड द थॉट्स ऑफ मैन न्यू दैट वन ऑफ दीज डिसिपल्स जुड़ास हैड मेड अ प्रोमिस टू द चीफ प्रीस्ट टू लीड दैम एंड देयर सर्वेंट्स टू जीसस वेन द आर शुड. जीसस एक ऐसे पर्सन हैं, एक क्योंकि ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है कि वो क्रिश्चियन के जो गॉड हैं उन्हीं को जीसस बोलते हैं. तो गॉड जो होते हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं. तो जीसस जो है वो आदमी के मन में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उनको भी वो पढ़ सकते हैं. तो जीसस जो है उनको पता चल गया था कि उन्हीं के इन डिसिपल्स में कोई एक डिसिपल्स ऐसा है जिसका नाम है जूड़ा. उसने प्रॉमिस किया है चीफ प्रिस्ट को टू लीड देम एंड देयर सर्वेंट्स टू जीसस. वो उसने प्रॉमिस किया था जूड़ास ने किसी चीफ प्रिस्ट को, क्योंकि ये लोग प्लान कर रहे थे जीसस को मारने के लिए. तो उनमें से जीसस के डिसिपल्स में से एक डिसिपल जो है वो किसी और से मिला हुआ था. व्हेन द आर शुड कम टू सीज हिम, और वो उनको बता रहा था कि कब उनको जीसस को पकड़ लेना चाहिए. एंड जूड़ास वॉज वॉचिंग फॉर द बेस्ट टाइम टू डू दिस ड्रेडफुल डीड. और जूड़ास जो है वो सबसे अच्छे टाइम की फिराक में था कि जब बेस्ट टाइम होगा तब मैं ये काम कर लूँगा. ड्रेडफुल दैट मीन्स टेरिबल, ये भयानक काम, कि अपने ही गॉड को मरवाने का जो काम है. पहले तो वो उनके साथ ही रहता है और उनके साथ ही गद्दारी करता है. दे केम इन टू द हाउस एंड वेंट अप स्टेयर्स टू द लार्ज रूम देयर वेयर दे फाउंड द सपर ऑल रेडी. फिर ये जितने भी जीसस और उनके जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो लोग ऊपर जहाँ पे उन्होंने डिनर रखा है, सपर रखा है, वो रेडी हो चुका है. तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं. जीसस वॉज लीनिंग एट द हेड ऑफ द टेबल. जीसस जो है वो हेड टेबल जो होती है उस पर बैठे हुए थे. एंड जॉन द डिसिपल होम जीसस लव्ड मोस्ट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. और जॉन जिससे जीसस जो है सारे डिसिपल्स में से सबसे ज़्यादा प्यार जॉन से करते हैं, तो वो उसी के जो जीसस के पास ही बैठे हुए थे. व्हाइल दे वर ईटिंग जीसस टुक ब्रेड एंड गेव थैंक्स. और जब ये सब लोग खाना खा रहे थे तो जीसस ने एक ब्रेड लिया और थैंक यू कहा. देन ही ब्रोक इट एंड पास्ड अ पीस टू ईच वन ऑफ द 12 सेइंग टेक एंड ईट दिस इज़ माई बॉडी विच इज़ ब्रोकन फॉर यू डू दिस एंड रिमेंबर मी. फिर जीसस जो है वो जो ब्रेड का पीस लेते हैं वो उसके टुकड़े टुकड़े करके जितने भी 12 डिसिपल्स थे उनके उन सबको दे देते हैं और बोलते हैं टेक एंड ईट, ये तुम लो और इसको खा लो. दिस इज़ माई बॉडी विच इज़ ब्रोकन फॉर यू. और इस ब्रेड के टुकड़े को तुम ऐसा समझो कि जैसे मैंने इसको टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें दिए हैं, तो ये मेरी बॉडी के टूटे हुए हिस्से हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तोड़ दिए हैं. डू दिस एंड रिमेंबर मी, तुम इसको खाओ और मुझे हमेशा याद रखना. आफ्टरवर्ड
He took the cup of wine and passed it to each one with the words. उसके बाद ब्रेड का टुकड़ा जो उन्होंने पीस जो ब्रेड का दिया है उसके बाद वो एक लेते हैं कप कप ऑफ वाइन वाइन लेते हैं और सारे डिसिपल्स को वाइन भी पास करते हैं. उसके बाद दिस कप इज़ माई ब्लड शेड फॉर यू. और फिर वो जब वाइन देते हैं तब बोलते हैं कि जैसे अभी मैंने ब्रेड का पीस दिया तो वह मेरी बॉडी के टूटे हुए पार्ट है जो तुम्हारे लिए हैं, और ये जो वाइन है इसको तुम समझो कि ये मेरा ब्लड है जो मैंने तुम्हारे लिए बहा दिया है. एंड फॉर मैनी दैट देयर सिंस मे बी टेकन अवे. और तुम्हारे जैसे और भी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मैंने अपना खून बहा दिया है ताकि उनके जो सिंस हैं जो बुरे काम हैं वो सब ख़त्म हो जाए. एज ऑफन एज यू ड्रिंक दिस रिमेंबर मी. और जब जब भी तुम वाइन पियोगे तो तुम हमेशा मुझे याद करते रहना. वेल देवर सिटिंग अराउंड द टेबल जीसस रोज अप. अब जब सारे डिसिपल्स टेबल पे बैठे हुए थे टेबल के आसपास बैठे हुए थे जीसस रोज अप. जीसस खड़े होते हैं एंड टुक ऑफ हिज आउटर रोब. और उन्होंने जो आउटर रोब पहना हुआ है इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सारे बहुत सारे लोगों ने आउटर रोब पहना हुआ है. लेट मी शो यू. ये एक तो इसने पहना हुआ है आउटर रोब, एक इसने पहना हुआ है आउटर रोब. ये जो बाहर जैकेट टाइप आपको दिख रहा है ना इसको बोलते हैं आउटर रोब. ये इन्होंने पहना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है. तो जीसस ने भी आउटर रोब पहना हुआ था तो उसको वो खोल देते हैं. एंड देन टाइड अराउंड हिज वेस्ट अ लॉन्ग टॉवल. और अपनी वेस्ट पे अपनी कमर पे एक लॉन्ग टॉवल बांध लेते हैं. ही पोर्ड वाटर इन टू अ बेसिन. फिर वो एक बेसिन के अंदर पानी लेते हैं. एंड वाइल ऑल द डिसिपल्स वर वंडरिंग ही कैरीड द वाटर टू द फीट ऑफ वन ऑफ हिज वन ऑफ द डिसिपल्स. और जब सारे लोग बैठ के सोच रहे थे कि जीसस जो हमारे गॉड है ये क्या कर रहे हैं, तभी वो पानी एक बेसिन में ले के आते हैं और एक डिसिपल्स के पाँव जो है ही कैरीड द वाटर टू फीट वन ऑफ द डिसिपल्स. और एक डिसिपल का पाँव उस बेसिन में रख के और उसके पाँव को धोने लग जाते हैं. जस्ट एज दो ही हिमसेल्फ वॉज अ सर्वेंट. और वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि वो सर्वेंट हो. ये यहाँ पे इस पिक्चर में ये जो दिए हुए हैं ये है जीसस. आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी वेस्ट पे एक टॉवल बांधा हुआ है और ये एक डिसिपल के पाँव वॉश करवा रहे हैं, धुलवा रहे हैं. देन ही वॉश द फीट ऑफ अनादर डिसिपल एंड देन ऑफ स्टिल अनादर. वेन ही केम टू साइमन पीटर, पीटर सेड टू हिम डोस्ट डू ओ लॉर्ड वॉश माई फीट. वन बाय वन उन्होंने सारे डिसिपल्स के ऐसे करके पाँव धुलाए. और तभी टर्न आता है उनके एक और डिसिपल का जिसका नाम है साइमन पीटर. अब जैसे ही वो साइमन पीटर के पास आते हैं तो साइमन पीटर जो है वो उनको बोलते हैं डोस्ट डू ओ लॉर्ड वॉश माई फीट. डोस्ट डू दैट मीन्स डू यू. ओके, डू यू ओ लॉर्ड वॉश माई फीट. आप तो मेरे लॉर्ड हैं, आप तो मेरे भगवान हैं, क्या मैं आपसे अपने पाँव धुलवाऊँगा? जीसस आप मेरे पाँव को प्लीज़ हाथ मत लगाओ. जीसस सेड टू हिम वॉट आई डू यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ बट यू विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर अ टाइम. तभी जीसस पीटर को रिप्लाई करते हैं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि ऐसा मैंने किस लिए किया था. लॉर्ड डू शैल नेवर वॉश माई फीट सेड पीटर. फिर पीटर जो है वो फिर से जीसस को मना करता है और उनको अलाउ नहीं करता है कि एक गॉड जो है वो अपने सर्वेंट के पैर धोए. इफ़ आई डू नॉट वॉश यू सेड जीसस देन यू आर नन ऑफ माइन. फिर जीसस उसको बोलते हैं पीटर को कि अगर मैंने तुम्हारे पाँव नहीं धुलाए तो तुम समझ लेना कि तुम मेरे डिसिपल्स कभी थे ही नहीं.